इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़ रांची झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। अभी क्या है, कुछ भी नहीं, खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी तुमने देखा ही क्या है, ऐसा बोलते हैं। आश्चर्य होता है, अभी देखा ही क्या है, आपने तो सब देख लिया ना, तो फिर तुम्हारी उम्र है। उनसे बोल दे बच्चे हो और आप विचार करो। उस बालक को हम रोक देते हैं प्रयास करके, लेकिन जो बलवान होता है ना बैरागी, वो रुकता नहीं है। बहुत प्रयास किया जाता है, जब बालक निकलता है इस मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर रोकने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं, लेकिन घोड़ी पर बिठाने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। किस पर? हाँ, सब लोग तैयार हो जाते हैं, पूरा समाज तैयार हो जाता है, परिवार रिश्तेदार सब चले जाते हैं उसके लिए। देखो आप तैयार रहते हैं, उसके लिए आज तक किसी ने मना किया कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, तू घोड़े पर मत बैठ, तू संसार के कीचड़ में पैर मत दे, मना किया? बहुत बिरली माँ होगी कोई मदरसा, कौन, बहुत बिल्ली माँ होगी कोई मदालसा जो कहती है बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तू संसार के कीचड़ में मत पड़, संसार माया परिवर्जनों से, क्या संसार माया परिवर्जनों से ये बिल्ली माँ मिलेगी, लेकिन सब एक बेटा तू कहाँ जा रहा है, चारों ओर से घेर करके फंसाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन निकालने के लिए कोई तैयार, बहुत बिरले जीव होते हैं, कोई महान आत्मा होती है, और वो होते हैं सदगुरु, निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, जो संसार के कीचड़ से निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आओ विमान में बैठ जाओ। अब वो बात अलग है, जिन्हें विमान ही अच्छा ना लगे तो क्या करें। जिन्हें विमान में नहीं बैठना, जिन्हें लेट करके जाना है, जैसे विमान में नहीं बैठना, लेट करके जाना है तो ठीक है, मधुमक्खियों की रस को चखो, और जिन्हें जीवन के अर्थ के समझ करके विमान में बैठ करके जाना है, वो विमान में बैठ जाते हैं। लेट करके जाने वाले को अर्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट करके जाने वाले को अर्थी कहते हैं। अर्थी निकल रही है, उसको अर्थी क्यों कहते हैं? कभी कभी सोचो, देखो ये कैसी अर्थी है, इसने जीवन के अर्थ को नहीं समझा। जीवन के अर्थ को अगर समझ लेता तो अंत में उसके जीवन में अर्थ ही नहीं होती। वो जीवन की अर्थ को समझ लेता है,
उसके मृत्यु महोत्सव कहा जाता है, उसको मातम नहीं कहा जाता, जैन दर्शन में महोत्सव कहा जाता है। विमान में बैठकर के यात्रा करते हैं अंतिम क्षणों में भी, और अंतिम क्षणों में भी पूजा होती है, वंदना करते हैं आप लोग, करते कि नहीं? विचार करो, सोचो, जीवन को मुझे कैसे ले जाना है, कैसे जाना है। ऐसे बैठ करके जाओ तो सिद्धालय का द्वार खुला मिलेगा। कहाँ का? सिद्धालय का द्वार खुला मिलेगा। और लेट करके जाओगे ना तो सिद्धालय का द्वार खुला नहीं है, उसके लिए कुछ और खुला है। ध्यान दो, दृष्टि को बदलो, बैठ जाओ, दृष्टि का बदलो। ज्ञानी बिलीन मिथ्या पद दृष्टि विब्रमा आचार्य ऋषिमंद्र भद्र स्वामी कह रहे हैं, भ्रम भ्रम टूटना चाहिए। जब तक भ्रम है तब तक श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती। भ्रम पल रहा है जीवन में, एक श्वान कांच के महल में प्रवेश कर गया। किसमें? कांच के महल में प्रवेश कर गया। उसने देखा चारों ओर कांच ही कांच है, नीचे भी कांच, ऊपर भी कांच, आजू में बाजू में दाएं बाएं सब जगह कांच ही कांच है। दरवाजा बंद, थोड़ी देर में देखता है अभी तो कांच। जब दृष्टि फैलाई उसने तो चारों ओर स्वान स्वान दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? बोले मैं कहाँ आ गया, इतने सारे स्वानों के बीच में मैं फंस गया। क्या सोचा उसने? इतने सारे श्वानों के बीच में मैं फंस गया, अब मेरा क्या होगा? उसने भौंकना शुरू किया। जब उसने भौंका तो सबने भौंका, चारों ओर से भौंक रहे हैं। अब भौंका बढ़ाया कि इतने सारे स्वान हम पर आक्रमण करेंगे, मेरा क्या होगा? जहां देखता वही वही दिख रहे, वही वही भोगते हुए दिख रहे हैं। अपने वसीला आ गया जी, मुश्किल हो गया उसके लिए। अंत में वो आक्रमण भी करता है, छत बिछत हो गया। क्या हो गया? छत बिछत हो गया। पूरा रात भर सुबह मालूम चला, जब दरवाजा खोला तो श्वान मरा पड़ा था। श्वान मरा पड़ा था। किस में गया? वो भ्रम में चला गया। किस में? वो भ्रम में चला गया। अगर वो सोच लेता कि नहीं ये तो भ्रम है, जितने भी कांच में दिखाई दे रहे हैं नहीं है, ये कांच में दिखाई दे रहे नहीं है, बस यही भ्रम तो मुझे भी तोड़ना है। ऐसे ही हम जीवन के साथ ऐसे ही बिता देते हैं भ्रम में, और अंत में क्या पाते हैं? अंत में क्या पाते हैं? जीवन का अंत पाते हैं, अनंत नहीं पाते हैं। क्या पाते हैं? जीवन का अंत पाते हैं, और कुछ नहीं मिलता मेरे जीवन में। सोचो समझो, ये भ्रम का जीवन हम जी रहे हैं, और ये सुप्त अवस्था में है, भ्रम है, जागृति नहीं है। मकान में आग लग गई है, आग लग गई है, दीवालों में आग लग रही है, पर्दे जल रहे हैं,
आग की लपटें बढ़ रही हैं, चीखना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? चीखना प्रारंभ हो गया। राजीव भैया, अब उसको लगा कि मेरी आग की लपटें मुझे जला देगी। इतना चीख रहा है। इतने में क्या हुआ, ललित भैया ने कहा, राजीव उठो। राजीव उठो। और राजीव एकदम से घबरा के उठ गया। देखा कुछ भी नहीं है, न आग है न आग की लपटें हैं। क्या देख रहा था वो? स्वप्न देख रहा था। अब बतलाओ कितने पानी की आवश्यकता आग बुझाने के लिए? क्या चाहिए? फायर ब्रिगेड चाहिए? इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए सिर्फ झकझोर के जगाने की आवश्यकता थी, और कुछ नहीं चाहिए। जीवन में जब तक सुप्तता है तब तक ब्रह्म है। होश का जीवन है तो सब कुछ है, और बेहोशी का जीवन है तो ब्रह्म है। इसलिए सिर्फ होश में आने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। जहाँ जागृति हो जाती है वहाँ पर कोई आग की लपटें नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इतना ही सिद्धांत हमें समझने की जरूरत है। देख लेना, श्रद्धा में बहुत शांति है। शांति का मार्ग शांतिलाल जी श्रद्धा से उत्पन्न होता है। कहाँ से? श्रद्धा से उत्पन्न होता है। देखो अगर आपकी निर्गंता के प्रति श्रद्धा है कि निर्गंत मोक्ष मार्ग है, इसके बिना हम आत्म सुख नहीं पा सकते हैं, इसके बिना कर्मों की चपड़ा नहीं हो सकती है, ऐसी श्रद्धा होती है तो धीरे धीरे आत्म शांति की ओर बढ़ता है। और जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक उसको कष्ट नजर आता है। क्या आता है? कष्ट नजर आता है। कभी कभी आपको नियम दिया जाता है और आपका अंदर से मन ना हो, नियम को ना समझ पाए, तो वो नियम आपको कष्ट लगता है। और जिस दिन उसके लिए समझ जाएंगे कि ये कष्ट नहीं है, ये तो कष्ट को निकालने का साधन है। क्या है ये? कष्ट नहीं है सुरेंद्र भैया, मोक्ष मार्ग, ये तो संसार से पार होने का साधन है, मोक्ष में पहुंचने का साधन है। इसलिए वो इस संसार में भी जागृत होकर के रहता है। कैसे रहता है? जागृत होकर के रहता है। कष्ट समझ में है, ये कष्ट नहीं है। नियम संयम कोई कष्ट नहीं है, ये तो अंदर में जो कांटा चुभा है उसको निकालने के लिए है। किसके लिए है? निकालने के लिए है। बताओ कौन सा कांटा कांटा है? जो हाथ में आप लिए वो कांटा है क्या? दुख देगा क्या? लेकिन जो अंदर में चुभा है वो दुख देता है, कष्ट देता है। लेकिन हम लोग हाथ के कांटे को कांटा मानते हैं, चुभा हुआ कांटा ये ब्रह्म है। क्या है? यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को हमें अपने जीवन में तोड़ना जरूरी है। इस सत्य को समझो, यथार्थ बोध को समझो। ब्रह्म टूटते यथार्थ बोध होता है। क्या होता है? यथार्थ बोध होता है। और यथार्थ बोध होना जीवन में बहुत जरूरी है। जिस दिन तुम यथार्थ बोध हो जाएगा उस तुम सत्य के मार्ग पर चलने लगोगे। और जब तक यथार्थ बोध नहीं है, भ्रम है दृष्टि में, तब तक संसार में पर्यटन करते रहोगे। पता नहीं तुम्हारे जीवन में ऐसे ही भ्रम का और संसार में पर्यटन निरंतर चलता रहता है। और हम सोचते रहते हैं देखो महाराज क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा सुख मिल रहा था, हमारे सुख को छुड़ा रहे हैं, हैं? और यहाँ दुख दिख रहा है, वो अपने को सुखी मान रहा है और यहाँ दुखी मान रहा है। बोले यहाँ क्या है? ठंडी गर्मी
कोई एसी की व्यवस्था नहीं है, कैसे होगा, मच्छर काट रहे हैं, कैसे चलेंगे, अंतराय हो रहा है, कैसे चलेगा, एक बार लेना, खड़े होके लेना, केस लॉन्च करना, पैदल चलना, सारी चीज़ उसको दुख नजर आएंगी। और एकदम ना, आप ऐसा मार्ग पर, आप अपने शरीर को सुखा रहे तो हम क्यों सुखाएं? कौन कहता है ये बात? जिसके जीवन में यथार्थ बोध नहीं हुआ, दृष्टि का भ्रम है, और जिसने देख लिया क्या हुआ? देख लिया बोले ये रास्ता, सुख का मार्ग तो यही है। अनंत दुखों से अगर बचना है तो बड़ी बज्जद्दु सामण्णम कुंद कुंदाचार्य रहे, उसमें प्रवचन सार ग्रंथ में चार्य चुलका में कह रहे हैं, बड़ी बज्जद्दु सामग दुख परिमोक्षम, अगर दुखों से परिमोक्ष होना है तो सामण्णपने को स्वीकार करो। इसको सामण्णपन को स्वीकार करो, यानी श्रमण बनो, मुनि बनो। यथार्थ बोध होते ही उस मार्ग पर बढ़ जाता है वह जीव। इसलिए हम यथार्थ बोध को अपने जीवन में उत्पन्न करें, भ्रम को तोड़ें। निश्चित ही विलीन मिथ्या पर दृष्टि विभ्रमा, शमंत भद्र स्वामी कह रहे थे, भगवान से प्रार्थना करो, गुरुओं से प्रार्थना करो, जब जब भी, हे भगवान मेरी दृष्टि जो का विभ्रम दूर हो जाए, विलीन हो जाए, और मेरी दृष्टि में सम्यक्त का वास हो जाए, विवेक की दृष्टि, यथार्थ बोध की, प्रज्ञा की दृष्टि आ जाए, जिससे हम अपने को पहचाने। किसको? अपनी पहचान कर सकें, बस ऐसी दृष्टि मुझे चाहिए। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवदेव्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़ रांची झारखंड।